मेरा नाम है नितिन तिवारी, हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। यहाँ पे 7 दिन हो गए हमारे। बहुत बढ़िया वादियाँ हैं, मतलब कश्मीर में हमने गुलमर्ग देखा, सोनमर्ग देखा, पहलगाम देखा। ऐसा नहीं है कि किसी को हम कहते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, सबके अपने अपने अलग अलग वो हैं, सब अपने आप में सबसे बेस्ट है। और अगर किसी ने कहा है कि कश्मीर जन्नत है तो सच में जन्नत है। था हमारे के तो किसने सजेस्ट किया दूध पाथरी आने के लिए? हम लोग ने नेट से देखा, ब्लॉग के जरिए देखा जी। दूध पाथरी सब लोग दूध पथरी आए। यहाँ का व्यू ये ना सोचो कि गुलमर्ग आ गया, सोनमर्ग आ गया तो इसको नहीं देखा तो ये सब एक ही जैसा है। ये बिल्कुल अलग व्यू है यहाँ का। और जंगल से होके जब लेके जाते हैं घोड़े तो उसका जो व्यू आता है, मतलब हमने सोनमर्ग में भी घोड़े किए, पहलगाम में भी किए, लेकिन दूध पथरी में पहली बार जो घोड़ा था वो बर्फ के अंदर से होके आया है। ये चीज सबसे अलग चीज थी दूध पथरी में। मैम, इतनी हॉट क्लाइमेट से बाहर से आ रहा हूँ, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा। तो कितना ठंड फील कर रहे हो यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, जैसे घर में बैठ के सब सोचते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्की होगा, या न्यूज चैनल पे देखते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कश्मीर का लोग भी बहुत अच्छा है और यहाँ के जो डेस्टिनेशन है बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे मार्केट श्रीनगर में हम लोग रात के 9 बजे 10 बजे अकेले टहल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ का आदमी इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्पफुल है, 3-4 लोग हमको मिले, कहा आओ मेरे घर पे चलो बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ पे आके हम लोग ने देखा कि रात में हम लोग टहल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया है। क्या? लोग ज्यादातर मनाली और हिमाचल ज्यादा जाते हैं, वहाँ पे लोग कारों में सोते हैं, होटल नहीं मिलते, इतनी भीड़ लगती है। कश्मीर नहीं आते क्योंकि कश्मीर उससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत है। तो सबको यही मैसेज है कि यहाँ कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं है, सब लोग भारी जितना आना चाहे आए और बारहों मासी आए। अभी हम लोग आए, बर्फ देख रहे हैं, गर्मी में आते तो फ्लावर वैली देखते, मतलब 12 महीने कश्मीर अलग ही दिखता है। अच्छा। तो जितने से ज्यादा लोगों आए। आप लोग 7 दिन से यहाँ कश्मीर में घूम रहे हैं। हाँ। आपने मेमोरी अपलोड किया ही होगा इंस्टा बाकी जगह। हाँ। पे तो कैसे लगी आपकी बाकी लोगों के, आपके रिलेटिव्स को, आपके परिवार को कश्मीर आने के लिए? बहुत अच्छा लगा। सब पहले थोड़ा डर रहे थे कि जो है वहाँ बहुत ठंडी होगी, बहुत ठंडी होगी, लेकिन अब हम लोग ने बताया कि उतनी कोई ठंडी नहीं, आराम से आओ, खूब घूमो। मैम, आप क्या कहना चाहती हो इन वादियों के बारे में? सच में जन्नत। हाँ, तो आपने शॉपिंग किया ही होगा। हाँ। तो क्या क्या खरीदा आप लोगों ने? मैम बोलेगा, ये केसर खरीदा। केसर और फेरन, फेरन, फेरन। फेरन ले लिया। वाह, कश्मीरी फेरन, कश्मीरी फेरन। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जरा जरा